हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर विद सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हैविंग रेडियस आर इज कैरिंग अ स्टडी करंट, कॉन्स्टेंट करंट। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द दिस क्रॉस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे। देन द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट आई विद डिस्टेंस आर, और आर लेस देन कैपिटल आर फ्रॉम द सेंटर विल बी। समझते हैं सब सोल्यूशन। वैसे तो ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली याद होना चाहिए, लेकिन मैं करके भी दिखाऊंगा आपको कि ये लॉन्ग इनपुटी आपका एक स्ट्रेट वायर है ना। ऐसे इसको जूम कर लिया बेटा, क्योंकि तो इसकी रेडियस दे रखी है हमें कैपिटल आर। ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया, ठीक है। दिस इज अ रेडियस कैपिटल आर, और इसके एरिया क्रॉस सेक्शन में ही करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा बोला है। द करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। तो करंट कुछ इस तरह से, ये इसकी एक्सेस हो गई या सेंटर कह सकते हो इसको। यहाँ पर करंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, ये एरिया क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे। और ये टोटल करंट आई है, ऐसा नहीं कि ये आई 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 आई, ऐसा नहीं है, सब मिला के टोटल करंट आई है। और कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी लिख लो जे। करंट डेंसिटी इक्वल टू होता है करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जे इक्वल टू करंट है आई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना, पाई आर स्क्वायर। ऐसा तो जे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है। तो जे कॉन्स्टेंट है, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल करंट आई है। अब कह रहा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो बेटा, इसके अंदर इस वाले पॉइंट पर। तो स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है, तो अगर ऐसा हो तो, और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो एरिया क्रॉस सेक्शन में, तो बी इज इक्वल टू होता है म्यू जीरो जे आई ओ सॉरी म्यू जीरो जे ओ आर बटे टू, इतना फॉर्मूला होता है। तो बी और जे कॉन्स्टेंट है, तो B प्रोपोर्शनल टू R। अभी मैं प्रूव भी कर दूंगा इसको। अच्छा, J की वैल्यू पुट करना चाहो तो J की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू, J की वैल्यू लिख दो I अपॉन पाई आर स्क्वेयर और स्मॉल r। कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है J की वैल्यू पुट करने के बाद, ये याद करना चाहिए, J की वैल्यू याद रखनी चाहिए कि J बराबर करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, और ये बोला ही करंट I इस एरिया क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा बोला है। तो बी और आर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली, ठीक है। ये आर लेस देन स्मॉल आर के लिए होता है। अच्छा, ये आया कैसे, अगर प्रूव करना है तो इस जगह पर एम्पियर सर्किट लॉ से प्रूव करते हैं कि यहाँ पर एक एम्पियर लूप बना लेते हैं ऐसा। तो इसके अंदर वाली करंट लेते हैं, जो लूप के अंदर वाली करंट लेनी है, तो आप पूरी करंट तो इसके अंदर बंद नहीं है, तो लेट कर लो इसके अंदर करंट कितनी है, आई डैश निकाल लो। जे बराबर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट कितनी है इसके अंदर, आई डैश कितने एरिया में है, तो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर में है। तो इसीलिए आई डैश इज इक्वल टू आ गया जे पाई आर स्क्वायर। जे की वैल्यू पुट करना चाहो जे की वैल्यू पुट कर दो, आई ओवर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इन टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आई स्मॉल आर स्क्वायर बटे कैपिटल आर स्क्वायर, इतनी करंट इसके लूप के अंदर है। अब इसमें एमपी सर्किट लॉ लगाएं, तो इसको आप पहले ऐसे ड्रॉ कर लो, इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर लो ऐसे, ये टॉप व्यू है और इसमें करंट जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे में, ठीक है। इन ऐसे देखोगे ना ऊपर से, तो करंट बाहर निकलती हुई दिखेगी। इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, यहां पर पूछ रहा है, यहीं बना देता हूं, यहां पर पूछ रहा है स्मॉल आर। तो इससे एक एम्पियर सर्कुलर लूप बना लेते हैं, इसे सर्कुलर लूप बना लिया हमने ऐसे। करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो अपनी फिंगर को कल करिए, थंब रखिए करंट की डायरेक्शन में पहले, और फिंगर को राइट हैंड की फिंगर को कल करिए ऐसे, उसी को सेंस ऑफ रोटेशन कंसिडर कर लेते हैं, ये सेंस ऑफ रोटेशन है। और इस जगह पे सेंस ऑफ रोटेशन ऐसे है, तो डीएल की डायरेक्शन ऐसी हो गई, जो सेंस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन होगी वही डीएल की डायरेक्शन होगी। अब राइट हैंड पाम रूल लगा लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकाल लीजिए, करंट की डायरेक्शन में थंब और पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी ऐसी आई,
और जिधर हम सेंस ऑफ रोटेशन रखते हैं उधर की तरफ हम करंट को पॉजिटिव मानते हैं। तो मैंने एक थंब ऊपर रख के करंट के सेंस ऑफ रोटेशन बनाया है, तो करंट ऊपर वाली करंट जो होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो बी और डीएल के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, इसमें एमपीए सेक्टर लगा लो। इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 = μ0। अब अंदर वाली करंट लिखनी है एम्पियर लूप के अकॉर्डिंग, ये वाली, पर ये हमने करंट निकाली, ये करंट कितनी मानी आई, टोटल करंट आई थी, टोटल करंट पूरे लूप में कितनी थी आई, रेडियस पाई आर स्क्वायर रिसेप्शन में आई थी, लेकिन निकालनी अंदर वाली हमें, तो वो निकाल रखी मैंने आई डैश एरी। तो आई डैश तो यहाँ पे पुट कर लो, बी डी एल, और डी एल इस लूप के एक छोटे से पार्ट का सेगमेंट है, लेंथ है, तो पूरा लेंथ लिखना है, तो 0 से 2 πr बराबर μ0। आई डैश की वैल्यू लिखें तो आई डैश की वैल्यू लिख सकते हो आप ये वाली, पहले जे के टर्म में करूँगा, है ना, तो लिखें j π r² बी डी एल कंडीशन एल, तो लेंथ हो जाएगी 2 πr, डी एल कंडीशन एल हो जाएगा, लिमिट पुट करोगे 2 πr - k 0, तो 2 πr हो जाएगा, μ0 π r² वो 2 π, सॉरी केवल पाई से पाई कट गया और आर से आर कट गया, तो बी इक्वल टू 2 नहीं कटा है, μ0 j और बेटा, है ना, μ0 j r/2 ये हो गया। अब j की वैल्यू अगर पुट करना चाहो तो j की वैल्यू ही पुट कर दो, निकले आता है। तो b में और r में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन ये इनसाइड के लिए बेटा, है ना, जब आपका स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो तब वैलिड है ये फॉर्मूला हमेशा, ठीक है, और यही पूछा था इसीलिए इतना ही बताते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।